हार्ट अटैक और कार्डिक अरेस्ट को बहुत सारे लोग एक ही चीज़ मानते हैं, दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। जेनेटिक कारण जो होते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं, दूसरा डायबिटीज़ एक बहुत बड़ा मुख्य कारण है, हाई ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन जिसे बोलते हैं एक मुख्य कारण है, स्मोकिंग, सिडेंट्री लाइफस्टाइल, अर्बनाइजेशन, यू नो, स्ट्रेसफुल इवेंट्स, लैक ऑफ स्लीप, एयर पॉल्यूशन। अगर हम ज़्यादा मतलब हम घी वाला खाना खा रहे हैं, ऐसा खाना जो जम जाता है सर्दियों के अंदर, वो हार्ट के अंदर आके भी जमेगा। हार्ट अटैक होते हैं या ब्रेन अटैक होते हैं, स्ट्रोक जैसे बोलते हैं, वो अर्ली मॉर्निंग आवर्स में होते हैं, सुबह 4 से लेकर 7 बजे के बीच में। हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपा मेहता स्वागत करती हूँ आपका फोकस चैनल के बॉडी क्लॉक प्रोग्राम में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस समय सभी का लाइफस्टाइल बहुत बदलने लगा है, हम लोग बहुत जल्दी अपने आप को कंफर्ट जोन में ले जाते हैं, ऐसे में हमें कई सारी प्रॉब्लम्स या यूं कहें कि बीमारियों का शिकार भी होना पड़ता है। ऐसी ही कई प्रॉब्लम्स हैं जो जुड़ी हुई है हमारे हार्ट से, हृदय से। कुछ प्रॉब्लम्स हमारी हार्ट से जुड़ी होने के कारण बाकी बॉडी पर क्या इफेक्ट डालती हैं, आज हम बात करेंगे इसी पर। हमारे साथ आज हैं डॉक्टर नवीन भामरी, जो कि मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कार्यरत हैं। आइए जानते हैं उनसे हार्ट के बारे में कुछ क्वेश्चंस। हेलो डॉक्टर। नमस्कार, मैं डॉक्टर नवीन भामरी, डायरेक्टर एंड हेड ऑफ कार्डियोलॉजी, मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शालीमार बाग, नई दिल्ली से। डॉक्टर, हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में क्या अंतर होता है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि हार्ट अटैक और कार्डिक अरेस्ट को बहुत सारे लोग एक ही चीज़ मानते हैं, दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। हार्ट अटैक होता है जब खून की सप्लाई हार्ट को सडनली बंद हो जाती है, तो उसे हम हार्ट अटैक बोलते हैं, और जब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हार्ट की रुक जाती है जिसे पल्स बोलते हैं, उसको हम कार्डिक अरेस्ट बोलते हैं। अब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रुकने के दो रीज़न होते हैं, या बहुत तेज़ धड़कन हो जाए जिसे कहते हैं वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, या फिर बिल्कुल धड़कन रुक जाए जिसे बोलते हैं एसिस्टोल। सो कार्डिक अरेस्ट जो होता है, हाँ, हार्ट अटैक की वजह से कार्डिक अरेस्ट हो सकता है, बट कार्डिक अरेस्ट की वजह से हार्ट अटैक नहीं होता है। हम हार्ट की कौन सी बीमारी को बीमारी कहते हैं? हार्ट की बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। अगर आप मुझसे केवल हार्ट अटैक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो उसके लिए रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि मैंने बताया, जेनेटिक कारण जो होते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं, दूसरा डायबिटीज़ एक बहुत बड़ा मुख्य कारण है, हाई ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन जिसे बोलते हैं एक मुख्य कारण है, स्मोकिंग, सिडेंट्री लाइफस्टाइल, अर्बनाइजेशन, यू नो, स्ट्रेसफुल इवेंट्स, लैक ऑफ स्लीप, एयर पॉल्यूशन, ये सब बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट हार्ट अटैक के अलावा हार्ट की और भी बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, किसी किसी को कार्डियोमायोपैथी हो जाती है जिसे बोलते हैं कि हार्ट का फंक्शन पुअर हो गया है। नॉर्मली हार्ट का फंक्शन 55% के ऊपर रहना चाहिए, अगर वो 55% के नीचे होता है तो हम उसे हार्ट फेलियर बोलते हैं, और लेस देन 40% होता है हार्ट का फंक्शन तो हमें बोलते हैं हार्ट फेलियर विथ रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन। तो इन सब के पीछे भी बहुत सारे कारण होते हैं। कभी कभी सिंपली हाई ब्लड प्रेशर जो है आपका हार्ट फंक्शन रिड्यूस कर देता है, सिंपली डायबिटीज़ आपके हार्ट फंक्शन को रिड्यूस कर देती है, स्ट्रेसफुल इवेंट कोई भी लंबी बीमारी आपके हार्ट फंक्शन को रिड्यूस कर देती है, कोविड जैसा वायरस जो है आपके हार्ट अटैक को और आपके हार्ट के फंक्शन को रिड्यूस कर देता है, और देयर आर मल्टीपल कॉजेज। कभी कभी इसका हार्ट फंक्शन रिड्यूस हो जाता है और आपको पता ही नहीं लगता, जिसको बोलते हैं हम इडियोपैथिक कारण रहा और आपका हार्ट फंक्शन पुअर हो गया। किसी किसी मरीज की मसल्स जेनेटिकली बहुत मोटी हो जाती है, थिक हो जाती हैं, जिसे हम हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं। ऐसे पेशेंट के अंदर सडन डेथ के चांस ड्यूरिंग एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा कॉमन होते हैं। तो आपने सुना होगा कि सडन डेथ हो गई किसी पेशेंट की एक्सरसाइज करते हुए, या फैमिली में किसी की सडन डेथ हो गई, उसके बाप की भी हो गई और बच्चे की भी हो गई, तो क्या रीजन रहा होगा? ऐसे पेशेंट के अंदर कभी कभी हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी एक बीमारी होती है जो जेनेटिकली फैमिली में रन करती है। अगर एक को भी हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी है तो पूरी फैमिली का जो है इकोकार्डियोग्राफी होके ये डिसाइड होना चाहिए, रूल आउट होना चाहिए कि मरीज को हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी तो नहीं है कहीं। तो बहुत सारे रीज़न होते हैं हार्ट की बीमारियों के, हार्ट अटैक के अलावा, जैसे मैंने बताया कार्डियोमायोपैथी है, उसमें भी डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी है, दिल की धड़कन ऊपर नीचे हो जाना, अरिथमियाज जिसे बोलते हैं, इन सब के कारण भी जो है हार्ट की बीमारियाँ होती हैं और सडन डेथ होने के चांसेस रहते हैं। क्या ये जो हृदय के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं या हार्ट की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, इसमें डाइट का कोई रोल है? डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है।
डाइट जो है एक बहुत मुख्य रोल अदा करती है, बिकॉज़ जिस तरह की हमारी डाइट होती है वो उस हिसाब से हमारी आर्टरीज जो है जो उस तरह का उसकी आर्टरीज की हेल्थ होती है। अगर हम ज़्यादा मतलब हम घी वाला खाना खा रहे हैं, ऐसा खाना जो जम जाता है सर्दियों के अंदर, वो हार्ट के अंदर आके भी जमेगा। तो सैचुरेटेड फैट्स का इंटेक ज़्यादा होना, ट्रांस फैटी एसिड्स का ज़्यादा होना, जैसे कि ट्रांस फैटी एसिड, जैसे तला हुआ समोसा ले लिया आपने, कचौड़ी ले ली, और एक ही तेल में अगर उसको 3-4 बार तल दिया, वो ट्रांस फैटी एसिड्स बन जाते हैं जो आपके लिए पॉइजन की तरह काम करते हैं। आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल, LDL कोलेस्ट्रॉल का लेवल अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा हो जाता है जब आप डाइट कंट्रोल में नहीं रखते, तो बेस्ट डाइट जो होती है वो हमेशा मेडिटेरेनियन डाइट कहा जाता है, जो बेस्ट डाइट है आपके हार्ट के लिए, आपके ब्रेन के लिए, आपकी किडनीज के लिए। और मेडिटेरेनियन डाइट का फॉर्मूला है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स दिन में आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इंटेक करें, लो जो है सैचुरेटेड फैट्स रखें, और जो ड्राई फ्रूट्स हैं जिसके अंदर एलमंड्स वॉलनट्स का इंटेक अपना बढ़ाएं, लॉट ऑफ वाटर इंटेक रखें। तो दिन में 4 से 5 बार आपको हरी सब्जियों और फ्रूट्स का सेवन करना चाहिए। दिस इज द बेस्ट डाइट आई कैन सजेस्ट यू। जो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल होते हैं जिसे कच्ची घानी का ऑयल कहते हैं, कच्ची घानी ऑयल आर बेटर, जैसे कच्ची घानी का सरसों का तेल आप ले लो, इस तरह के ऑयल ले लो, या फिर आप जो है ऑलिव ऑयल ले सकते हैं, आप राइस ब्रैन ऑयल ले सकते हैं, ये सब आपके हार्ट के लिए जिसे कहते हैं कि हेल्दी ऑयल्स हैं, बट डेफिनेटली इनका कंटेंट जो है वो दिन मत पूरे दिन में आपका 5 से 10 ml से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट देसी घी भी आपके हार्ट के लिए बहुत बुरा नहीं है, आप देसी घी का भी इंटेक 10 ml तक डेली ले सकते हैं। डॉक्टर, हमने अक्सर के कई दफ़ा सुना है कि किसी को हार्ट अटैक आया और वो बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग का टाइम था, ऐसा क्यों होता है कि सुबह के टाइम में खास करके 4-5-6 बजे के करीब हार्ट की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ती है या लोगों को हार्ट अटैक इस समय पे ज़्यादा आता है? देखो, जनरली हाई जो हार्ट अटैक होते हैं या ब्रेन अटैक होते हैं, स्ट्रोक जैसे बोलते हैं, वो अर्ली मॉर्निंग आवर्स में होते हैं, सुबह 4 से लेके 7 बजे के बीच में। वो इसलिए होते हैं कि आपका हमारी जो सर्काडियन रिदम होती है जो बॉडी की, उसके अंदर ऐसा होता है कि जो कोएगुलेशन फैक्टर्स होते हैं या आपके प्लेटलेट लेवल्स जो होते हैं, प्लेटलेट एक्टिविटी आपकी जो है मैक्सिमम एक्टिविटी जो होती है वो अर्ली मॉर्निंग आवर्स में होती है, और अर्ली मॉर्निंग आवर्स में आपका ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू दी टोटल, अगर ड्यूरेशन आप देखें तो वो प्लेटलेट्स की चिपकने की कैपेसिटी की वजह से वो प्लाक डिपोजिशन होता है और वो प्लाक रप्चर होता है, चाहे वो ब्रेन की आर्टरी में हो चाहे वो हार्ट की आर्टरी में हो। तो इसलिए अर्ली मॉर्निंग आवर्स के अंदर प्लेटलेट एक्टिविटी होने की ज़्यादा होने की वजह से वो चिपक जाते हैं, और ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर होने की वजह से प्लाक रप्चर होने के चांस ज़्यादा होते हैं, इसलिए मॉर्निंग आवर्स के अंदर हार्ट अटैक या ब्रेन अटैक ज़्यादा होते हैं। डॉक्टर, अगर जैसे हमें पता है कि कोई हार्ट पेशेंट घर में है और मौसम जैसे ठंडी का मौसम शुरू हो रहा है, तो क्या ऐसे में हमें जो उनके साथ रूम में है या वो खुद भी, क्या उनको अपने लिए कोई अलर्ट अलार्म या कुछ ऐसा लगा के रखना चाहिए या पार्टनर को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए? देखो, ऐसा है कि सर्दियों के अंदर जैसे मैंने बताया कि अर्ली मॉर्निंग आवर्स में जब टेम्परेचर कम होता है, प्लेटलेट एक्टिविटी बढ़ जाती है और जो है हाई ब्लड प्रेशर होता है, तो हमें 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। जब भी अगर आपके घर में कोई हार्ट अटैक का पेशेंट है या हार्ट से सफ़र कर रहा है, हार्ट डिजीज से सफ़र कर रहा है, तो जब भी सनी हो तब घर से बाहर निकलें। अगर सनी नहीं होता है और सर्दी ज़्यादा होती है तो आपके अंदर हार्ट अटैक या हाई ब्लड प्रेशर होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसलिए हम अपने सारे मरीजों को बोलते हैं कि आप मॉर्निंग वॉक के लिए भी सर्दियों में तभी जाएं जब बाहर सनी हो जाए, और अंदर एक लेयर ऑफ जिसे कहते हैं थर्मल लेयर होनी चाहिए, और 2-3 लेयर्स ऑफ क्लोथ पहन के ही घर से बाहर निकलें। इनफैक्ट अगर आपको सर्दी ज़्यादा लगती है तो आप अपने कमरे में भी एक इनर थर्मल लेकर ही सोएं अर्ली मॉर्निंग आवर्स में। अपनी छाती को गर्म रखना है, प्रोटेक्ट रखना है। डॉक्टर, ये तो हुई एक हार्ट पेशेंट के लिए, क्या ये नॉर्मल आदमी के लिए भी ये बात है? नॉर्मल आदमी के लिए, यंगर पॉपुलेशन के लिए मैं बोलूंगा कि ऐसा नहीं है, बट हाँ, अगर आपको डायबिटीज़ है, आपको हाई ब्लड प्रेशर है, आपको पता ही नहीं है कि आपको हार्ट डिजीज़ है, तो आई थिंक ये अगर आप रूल बना भी लें कि अर्ली मॉर्निंग आवर्स में, जैसे लोगों को कुछ आदत होती है 4 बजे निकल के वॉक करने चले गए या 5 बजे निकलने चले गए और बहुत सर्दी हो रही है, तो उसको अवॉइड करना चाहिए, डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज आपका कोर टेम्परेचर उस समय मैच नहीं कर रहा होता, और ऐसे के अंदर किसी भी तरह का अन इवेंट
आपके बॉडी के साथ हो सकता है। तो हमेशा प्रिकॉशन, प्रिवेंशन हमेशा लेना चाहिए। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, जैसे बताया गया है। इसलिए हमेशा हर चीज़ आप ये मान के चलें कि आज मुझे कुछ नहीं है लेकिन कल मुझे कुछ हो सकता है, तो प्रिवेंशन लेना इज हमेशा बेटर होता है। क्या हार्ट अटैक का भी कोई स्टेज होता है? जैसे कि हम सुनते हैं कि कभी कोई कहता है कि पहला स्टेज का हार्ट अटैक था, सेकंड था या थर्ड था, ये किस तरह की बातें हैं? नहीं, ये एक मिथ है कि मैंने भी बहुत बार सुना है। मेरे से मरीज आके पूछते हैं ओपीडी में, डॉक्टर साहब पहले अटैक आया था, अब तो दूसरा अटैक आ गया, अब तीसरा अटैक आएगा तो बचेगा नहीं। ऐसा नहीं होता है, फर्स्ट अटैक, सेकंड अटैक, थर्ड अटैक, हाँ एक आदमी को 3 से 4 बार 5 बार भी अटैक हो सकता है, ऐसा कोई डिफाइंड नहीं है। हार्ट अटैक आपके हार्ट को 3 आर्टरी सप्लाई करती हैं, 2 लेफ्ट में और 1 राइट की कोरोनरी आर्टरी होती है। अगर लेफ्ट की 1 आर्टरी का अटैक आ रहा है तो उसे एंटीरियर वॉल MI बोलते हैं। अगर उसकी लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी का केवल अटैक आ रहा है तो लेटरल वॉल MI बोलते हैं। राइट साइड की आर्टरी का होता है तो हम बोलते हैं कि इन्फीरियर वॉल MI हो गया। तो हार्ट के जिस एरिया को जो आर्टरी सप्लाई करती है अगर वो बंद हो जाती है तो उस तरह के अटैक होते हैं। तो पहला अटैक सपोज उसको LAD बंद होने की वजह से हो गया, दूसरा अटैक LCS की वजह से हो गया, ऐसा होता है। कभी कभी उस आर्टरी को हमने खोल दिया, स्टेंट डाल दिया, लेकिन वो दोबारा बंद हो जाता है, बाईपास होने के बाद भी दोबारा बंद हो जाता है। तो ऐसे लोगों के अंदर हार्ट अटैक मल्टीपल टाइम हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई डिफाइंड वो नहीं है कि पहला अटैक आ गया अब दूसरा अटैक आ गया तो ये बचेगा ही नहीं, या तीसरा अटैक आ गया तो बचेगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आजकल हमारे पास इतनी मॉडर्न टेक्निक्स हैं अर्ली आइडेंटिफिकेशन की और ट्रीटमेंट करने की, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वी कैन सेव द लाइफ अगर पेशेंट हमारे पास टाइमली पहुंच जाते हैं तो। डॉक्टर, साइलेंट अटैक क्या होता है? क्या कभी ऐसा भी होता है कि कुछ अटैक ऐसे भी होते हैं जो आते हैं और हमें पता भी नहीं चलता और हम रूटीन के काम करते ही रहते हैं, ये कितना खतरनाक हो सकता है? आप साइलेंट अटैक की बात करें, यह साइलेंट अटैक बहुत कॉमनली होता है, स्पेशली एल्डरली फीमेल्स के अंदर, स्पेशली डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर, हाई ब्लड प्रेशर के अंदर। क्या होता है कि ऐसे लोगों के अंदर जो है जो सिम्टम होते हैं हार्ट अटैक के, वो ज़्यादातर लोग ये मानते हैं हार्ट अटैक का मतलब सीने में दर्द होना या छाती में भारीपन होना। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये सबके अंदर ऐसे सिम्टम आए। जैसे एल्डरली फीमेल है, उनको ऐसा लगता है कि जो है मैं सडनली बहुत थकान होने लगी, कल तक तो मैं ठीक थी, आज मुझे अचानक थकान होने लगी है, तो ये भी एक बहुत बड़ा सिम्टम हो सकता है हार्ट अटैक का। किसी को मिचली आना, उल्टी आना, सडनली आपको सुबह के समय उल्टी आने लगी, वो भी एक हार्ट अटैक का सिम्टम हो सकता है। तीसरा, सडनली घबराहट होना, बहुत सारी एल्डरली फीमेल को सुना होगा या मेल को सुना होगा, घबराहट हो रही है, मेरा दिल घट रहा है, मेरा घबराहट हो रही है, वो भी एक सिम्टम है। अचानक बहुत सारा स्वेटिंग हो जाना, पसीने आने लगना, ठंडे पसीने आना, ये सब सिम्टम है। और इंडिया के अंदर तो अब 90% लोगों के अंदर अगर हार्ट अटैक के जो सिम्टम होता है वो हमेशा ये होता है कि गैस बन रही थी, तो वो गैस को लेते रहते हैं और गैस की गोली खाते रहते हैं, कभी चूरन चटनी खाते रहते हैं और वो हार्ट अटैक होता है। तो किसी भी कभी भी गैस के सिम्टम को लाइटली न लें, अपना ECG जरूर कराएं और कार्डियोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, ये साइलेंट अटैक भी हो सकता है। हार्ट अटैक या हार्ट से जुड़ी हुई जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं या बीमारियां हैं, ये महिलाओं और पुरुषों में एक समान होती है या इनके रेशो में कुछ अंतर है? देखो, महिला और पुरुष के अंदर हार्ट अटैक होने का रेशियो एक एज तक डिफरेंट होता है, अप टू दी, जब तक जो महिलाएं हैं अगर उनकी महावारी जब तक चल रही है तो उनके अंदर हार्ट अटैक होने के चांस एज कम्पेयर टू मेल पॉपुलेशन कम होता है। बिकॉज जो ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है वो प्रोटेक्टिव हार्मोन होता है जो हार्ट अटैक से बचा के रखता है। बट वंस मीनोपॉज आ जाता है जब, तब उनके अंदर रेशियो, इनफैक्ट अभी स्टडीज में देखा गया है मेल के कंपैरिजन में फीमेल के अंदर पोस्ट मीनोपॉजल में इंसिडेंस अब ज़्यादा हो गया है एज कम्पेयर टू मेल पॉपुलेशन। जो प्रोटेक्शन है हार्मोन का वो तब तक रहता है जबकि उनकी महावारी चलती रहती है, जब तक उनके पीरियड्स आते रहते हैं। कुछ एक मैसेज दीजिए हार्ट के ऊपर। तो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है, हार्ट अटैक आने से बचने के लिए अपने रेगुलर चेकअप कराएं, स्ट्रेस को अवॉइड करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, नमक का सेवन कम करें, मीठा सेवन कम करें, अपने नंबर्स को जानें, नंबर्स का मतलब है अपने ब्लड प्रेशर को जानें, उसको कंट्रोल में रखें, अपने शुगर लेवल को जानें, उसको कंट्रोल में रखें, घर में बच्चों को जो है जंक फूड्स बचपन से ही आदत डालें कि वो जंक फूड्स अवॉइड करें, बिकॉज, और स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए योगा और मेडिटेशन का सहारा लें, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी भी आपके स्ट्रेस को कम करती है, रेगुलर एक्सरसाइज आपके स्ट्रेस को कम करती है, जिम के अंदर अपनी बॉडी मेकअप करने के लिए या माचो मैन बनने के चक्कर में अपने जिम प्रोडक्ट्स का इंटेक ना ज़्यादा करें, बिकॉज बहुत सारी स्टडी में बताया गया है कि ये प्रोडक्ट्स कभी कभी आपके लिए हार्मफुल या जानलेवा भी हो सकते हैं। धन्यवाद। डॉक्टर,
डॉक्टर साहब, आज आपने हमें हार्ट से जुड़ी हुई बहुत सारी बातों के बारे में बताया, बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब दिए और बहुत अच्छी जानकारी दी। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम से हमारे श्रोताओं को बहुत फायदा होगा। हमसे मिलने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सेहत से जुड़ी ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए देखते रहिए फोकस हेल्थ चैनल। किसी खास जानकारी के लिए कमेंट करें। फोकस हेल्थ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन को टच करें ताकि समय पर आपको सभी नोटिफिकेशन मिलती रहें।